दोस्तों, अगर आप WhatsApp यूज करते हो, WhatsApp चलाते हो, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp के सभी A to Z सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो WhatsApp तो यूज करते हैं, WhatsApp तो चलाते हैं, लेकिन उनको सेटिंग्स और फीचर्स से कोई भी मतलब नहीं होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि WhatsApp डेली अपडेट हो रहा है, 2024 आ चुका है और WhatsApp में भी काफी सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं जिसके बारे में लगभग 90% लोग नहीं जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप WhatsApp के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, अगर आप WhatsApp को अच्छे से यूज करना चाहते हो, आपको हर फीचर के बारे में जानना है, तो वीडियो आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आप जान लोगे, आप खुद ही बोलोगे कि यार काश इसके बारे में पहले पता होता। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो काफी बड़ा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, WhatsApp में लगभग 50 से 60 फीचर्स सेटिंग्स हमें मिलते हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर कौन सा फीचर कब यूज करना है, कब कौन सा सेटिंग ऑन करना है, कब ऑफ करना है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको WhatsApp के सभी A to Z सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताता हूं कि कैसे आप WhatsApp के एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, सिंपली हम WhatsApp को ओपन करते हैं। दोस्तों, जब आप WhatsApp को ओपन करोगे, आपको यहां पर काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, नीचे आपको चार सेक्शन मिलेगा, चैट्स, अपडेट, कम्युनिटीज, कॉल्स। ठीक है, अब आपको थ्री डॉट पर टैप करना है। दोस्तों, आपको यहां पर छह ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, छह फीचर्स मिलेंगे। पहले आपको मिलेगा न्यू ग्रुप। अगर आप WhatsApp पर ग्रुप बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप न्यू ग्रुप पर टैप करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जब आप न्यू ग्रुप पर टैप करोगे, आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपको यहां पर शो हो जाएगा। ठीक है, आप उन बंदों को सेलेक्ट कर सकते हो जिनको आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हो। ओके, आपको बंदों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एरो पर टैप करना है, फिर आपको ग्रुप का नाम डालना होगा और दोस्तों आपका जो WhatsApp ग्रुप है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आप WhatsApp पर ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये जो फीचर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप ब्रॉडकास्ट का एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब आप इस पर टैप करोगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो शो हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहां से उन बंदों को सेलेक्ट करना है जिनको आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, ग्रुप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अंतर होता है। ग्रुप में आप एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप चैटिंग नहीं कर सकते। आप जिन बंदों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करोगे, आप एक बार में एक ही मैसेज को उन बंदों को भेज सकते हो। ठीक है, तो ये अंतर होता है ग्रुप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक्ड डिवाइसेस। ठीक है, अगर आप अपने WhatsApp को किसी और डिवाइस में लॉगिन करना चाहते हो, लैपटॉप में लॉगिन करना चाहते हो, कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहते हो, तो दोस्तों आप लिंक डिवाइस फीचर को यूज कर सकते हो। आपको लिंक ए डिवाइस पर टैप करना है, अगले फोन के QR कोड को स्कैन करना है, आपका जो WhatsApp है वो दूसरे फोन में लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप लिंक डिवाइस फीचर को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट मैसेज। ठीक है दोस्तों, आप स्टार्ट मैसेज फीचर को यूज करके मैसेज को सेव कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मैसेज को एक जगह पर सेव रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी से चैटिंग करते हैं, जब हम किसी से बातें करते हैं, तो यार कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो मैसेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इसकी जरूरत बार बार पड़ती है, तो सिंपली आपको इस मैसेज को सेलेक्ट करना है, स्टार पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट मैसेज वाले सेक्शन में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस मैसेज को देखना है तो सिंपली आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, स्टार्ट मैसेज पर टैप करना है, इसके अंदर आपको वो मैसेज शो हो जाएगा। तो इस तरह आप मैसेज को सेव कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको आप इस सेक्शन में सेव कर सकते हो।
ओके। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, आप व्हाट्सएप को यूपीआई की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। आप व्हाट्सएप से पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, सेम उसी तरह आप व्हाट्सएप को भी यूज कर सकते हो। अब आपको यहां पर मिलेगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर टैप करना है। दोस्तों जब आप सेटिंग्स को ओपन करोगे आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, काफी सारे सेटिंग्स मिलेंगे। अब आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, काफी टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा हमें बोलता है कि मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ठीक है, वो अपना नंबर हमें देता है, उसका नंबर हमें सेव करना होता है। दोस्तों अब सामने वाले बंदे से आपको QR कोड मांगना है, ठीक है, कि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है, तो उसका QR कोड आपको मिल जाएगा और दोस्तों आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली चैट ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप नंबर को बिना सेव किए आप उससे चैटिंग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप में एक और फीचर ऐड हुआ है, ऐड अकाउंट का, ठीक है, अगर आप अपने अकाउंट को स्विच करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। इसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपको यहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड जानकारी शो होंगे, ठीक है, हालांकि इसका कोई काम वगैरह नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप क्या क्या करता है आपको यहां पर शो हो जाएगा, आपका जो प्राइवेसी है वो सेफ है या नहीं है आपको यहां पर पता चल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह आप सिक्योरिटी को चेक कर सकते हो। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा पास की, ठीक है, ये जो फीचर है ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप पास की क्रिएट करते हो तो दोस्तों आपके व्हाट्सएप पर एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट सेट करते होंगे, जो स्क्रीन लॉक है उस पर आप फिंगरप्रिंट लगाते होंगे, पैटर्न लगाते होंगे, पिन डालते होंगे या फेस लॉक लगाते होंगे, तो दोस्तों सेम वही चीज आप व्हाट्सएप पर भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है। आपको क्रिएट ए पास की पर टैप करना है और दोस्तों जो आपके होम स्क्रीन पर लॉक लगा होगा वही यहां पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप को लॉगिन करोगे, अगर आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, जब आप मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करोगे, जब तक आप पास की नहीं दोगे व्हाट्सएप आपका लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आप व्हाट्सएप को और ज्यादा सेफ और सिक्योर बना सकते हो, ओके। अब इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल एड्रेस का, आप व्हाट्सएप पर ईमेल अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप इस पर टैप करके अपना ईमेल अकाउंट डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको टर्न ऑन करके टू स्टेप वेरिफिकेशन को व्हाट्सएप पर इनेबल कर सकते हो, इससे दोस्तों आपका जो व्हाट्सएप है और ज्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगा, ओके। अगर कोई भी बंदा आपके नंबर से व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा, अगर उसके पास आपके नंबर से OTP भी मिल जाता है, जब तक उसके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं होगा वो बंदा व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन से अपने व्हाट्सएप को और ज्यादा सेफ और सिक्योर बना सकते हो, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज नंबर, अगर आप व्हाट्सएप का नंबर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, बिना व्हाट्सएप को डिलीट किए नंबर को चेंज करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इस फीचर से नंबर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको करंट नंबर डालना होगा, फिर नया नंबर डालकर आपको नेक्स्ट पर टैप करना है और दोस्तों आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP डालकर आप अपने व्हाट्सएप नंबर को चेंज कर सकते हो, सारे चैट्स मैसेज सब कुछ रहेंगे, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, ठीक है, अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट का इंफॉर्मेशन चाहते हो, ठीक है, कि किससे किससे आपने चैटिंग की है, कब क्या किया हुआ है, आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो पर टैप करके अप्लाई कर देने, व्हाट्सएप की टीम कुछ दिनों में आपके पास एक PDF भेज देगा, आपको एक PDF भेज देगा, एक फाइल भेज देगा जिसमें आपके व्हाट्सएप अकाउंट का सारा एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो, अगर आप नया अकाउंट अपने व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हो, ठीक है,
एक ही व्हाट्सएप में दो दो नंबर से दो अकाउंट चलाना चाहते हो तो दोस्तों आप ऐड अकाउंट पर टैप करके नए नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट अकाउंट का, आप इस पर टैप करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी। ठीक है, आपको प्राइवेसी पर टैप कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको प्राइवेसी से रिलेटेड सेटिंग्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप पर प्राइवेसी को ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आपको लास्ट सीन एंड ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, आप यहां से लास्ट सीन और ऑनलाइन सीन को हाइड कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप प्राइवेसी लगा सकते हो कि आप व्हाट्सएप पर कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन हो जाते हो, आपने लास्ट टाइम व्हाट्सएप को कब यूज किया था, ये सब चीजें किसको पता चलनी चाहिए किसको नहीं पता चलनी चाहिए आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। अगर आप एवरीवन कर दोगे तो कोई भी बंदा आपके लास्ट सीन ऑनलाइन सीन को देख पाएगा। माई कॉन्टैक्ट कर दोगे, जितने भी नंबर आपके फोन में सेव होंगे वो बंदे सिर्फ देख पाएंगे। ठीक है, अगर आप माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पर टैप करोगे, ठीक है, जब आप इस पर टैप करोगे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा, जिनको जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बंदे ना देख पाए, उनको उनको सेलेक्ट करके ओके पर टैप करना है, वो बंदे आपके लास्ट सीन और ऑनलाइन सीन को कभी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोबडी। अगर आप नोबडी कर दोगे तो दोस्तों कोई भी आपके ऑनलाइन सीन और लास्ट सीन को नहीं देख पाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सेकंड सेक्शन में एक ऑप्शन मिलता है हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन। ठीक है, आप यहां से ऑनलाइन सीन को हाइड कर सकते हो। अगर आप एवरीवन कर दोगे तो कोई भी आपके ऑनलाइन सीन को देख पाएगा। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेम एज लास्ट सीन। ठीक है, जब आप इस पर टिक करोगे ये जो सेटिंग है ये इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सेटिंग के ऊपर ये सेटिंग डिपेंड हो जाएगा, जो चीज आप यहां पर करोगे वही इस पर भी लागू होगा, फॉलो होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप ये सेटिंग कर सकते हो। अब इसके बाद प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन मिलता है, आप प्रोफाइल फोटो पर प्राइवेसी को सेट कर सकते हो कि कौन बंदा प्रोफाइल फोटो को देख पाए कौन ना देख पाए, आपको इस पर टैप करना है। सेम ऑप्शन आपको यहां भी मिलेगा, एवरीवन कर दोगे तो कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल फोटो को देख पाएगा। माई कॉन्टैक्ट करोगे, जितने भी नंबर आपके फोन में सेव होंगे सिर्फ वही बंदे आपके प्रोफाइल फोटो को देख पाएंगे। अगर आप बंदों को हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बंदा ना देख पाए ये बंदा ना देख पाए, तो दोस्तों आपको उन बंदों को सेलेक्ट करके ओके पर टैप करना है। जिसको जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो लोग आपके प्रोफाइल फोटो को नहीं देख पाएंगे। नोबडी कर दोगे तो कोई भी आपके प्रोफाइल फोटो को नहीं देख पाएगा। अबाउट सेक्शन, ठीक है, अबाउट में आपने क्या लिखा है आप उस पर भी प्राइवेसी लगा सकते हो। सेम वही ऑप्शन आपको यहां भी मिलेगा, एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट नोबडी, सेम उसी तरह इसकी भी सेटिंग आप कर सकते हो। स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस कौन कौन देख पाए कौन कौन ना देख पाए, यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सेटिंग मिलेगा। ठीक है, माई कॉन्टैक्ट कर दोगे, जितने भी नंबर आपके फोन में सेव होंगे वो बंदे आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख पाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, जिसको जिसको आप हाइड करना चाहते हो। ठीक है, जिसको जिसको आप हाइड करना चाहते हो आपको उन बंदों को सेलेक्ट करना है, ओके पर टैप कर देना है, वो बंदे आपके व्हाट्सएप स्टेटस को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर आप कुछ बंदों को अपना व्हाट्सएप स्टेटस दिखाना चाहते हो, दो चार लोगों को दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ यही यही बंदे आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख पाए, तो दोस्तों आपको ओनली शेयर विथ पर टैप करने है। ठीक है, आपको इस पर टैप करने है, जिसको जिसको आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही बंदे आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख पाएंगे। ठीक है, बाकी और कोई भी नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप व्हाट्सएप स्टेटस पर प्राइवेसी को सेट कर सकते हो। आप फेसबुक पर भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस को शेयर कर सकते हो। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा रीड रिसिप्ट का। जब भी हमारे पास कोई बंदा मैसेज करता है और हम उस मैसेज को पढ़ लेते हैं तो उसके मैसेज पर ब्लू टिक शो हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि हमने उसके मैसेज को पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। ठीक है, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि उसको कभी भी पता ना चले कि हमने उसके मैसेज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो सिंपली आपको इसको ऑफ कर देना है, इसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, उसके पास ब्लू टिक शो नहीं होगा।
ओके तो दोस्तों इस तरह आप ब्लू टिक पर भी प्राइवेसी को सेट कर सकते हो। और आप इसको ऑफ करके अगर किसी का व्हाट्सअप स्टेटस देखोगे दोस्तों उसके सीन लिस्ट में आपका नाम शो नहीं होगा, आप हिडन तरीके से किसी के भी व्हाट्सअप स्टेटस को देख सकते हो। ओके इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट मैसेज टाइमर यानी डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर। ओके जब आप किसी से चैटिंग करते हो और आप चाहते हो कि जो चैट है जो मैसेज है वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, ठीक है, प्राइवेसी के लिए वो सभी मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए, तो दोस्तों आप टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो, डिसअपीयरिंग मैसेज को इनेबल कर सकते हो और आप जिससे भी चैट करोगे चैट कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, जो भी टाइमिंग आप सेट करोगे उतने टाइम बाद मैसेज चैट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। 24 घंटे कर सकते हो, 7 दिन कर सकते हो, 90 दिन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप डिसअपीयरिंग मैसेज को इनेबल कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोग हमें फालतू के ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों अब आप ग्रुप्स पर भी प्राइवेसी को सेट कर सकते हो। आप यहां पर सेट कर सकते हो कि कौन बंदा आपको ग्रुप में ऐड कर पाए कौन ऐड ना कर पाए, ठीक है। एवरीवन कर दोगे तो कोई भी आपको ग्रुप में ऐड कर देगा, माइक कॉन्टेक्ट करोगे जिनका नंबर आपके पास सेव होगा सिर्फ वही बंदे आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। अगर आप माइक कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, जिसको जिसको आप सेलेक्ट कर लोगे वो बंदे ब्लॉक हो जाएंगे, कभी भी आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह आप ग्रुप्स पर भी प्राइवेसी को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्स का, ठीक है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि अननोन नंबर से अगर व्हाट्सएप पर कॉल आए, ठीक है, वो ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाए, तो आप इस सेटिंग को ऑन कर दो। अगर कोई भी अननोन बंदा अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप पर कॉल करेगा वो कॉल ऑटोमेटिक साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, आपने व्हाट्सएप पर किसको किसको ब्लॉक किया है इसके अंदर वो सभी शो होंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक, अगर आप व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल करना चाहते हो तो आप इस पर टैप करके फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। आप फिंगरप्रिंट से अपने व्हाट्सएप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल कर सकते हो। अब इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अवतार का, ठीक है, आप अपने फोटो का इमोजी वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह का अवतार क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, और भी फीचर्स मिलेंगे, आपको अलग अलग टाइप्स के डिजाइन मिलेंगे, जो भी आपको पसंद आए आप उसको सेलेक्ट करके अपने फोटो पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो काफी सारे आपको अवतार मिलेंगे, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और उसको डीपी पर सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा चैट्स का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्हाट्सएप का थीम चेंज करना चाहते हो, डार्क मोड को इनेबल करना चाहते हो, तो आप यहां से व्हाट्सएप पर डार्क मोड को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आप व्हाट्सएप चैट्स के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट करना चाहते हो या वॉलपेपर सेट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको वॉलपेपर पर टैप करना होगा, यहां से आप व्हाट्सएप चैट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इंटर इज सेंड, ठीक है, जब आप इसको ऑन कर दोगे, आपके फोन के कीपैड में एक इंटर का बटन ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप पर चैट करोगे इंटर पर टैप करोगे आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा, आपको सेंड पर टैप करके मैसेज को नहीं भेजना होगा, आप इंटर पर सेंड करोगे मैसेज आपका ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी का, काफी सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर जो भी फोटोज आते हैं वो गैलरी में शो नहीं होते, क्योंकि दोस्तों उनके व्हाट्सएप में ये सेटिंग ऑफ होता है, हमेशा ऑन करके रखना है। और दोस्तों जब भी आपके व्हाट्सएप पर कोई भी फोटो आएगा वीडियो आएगा वो आपके फोन की गैलरी में शो होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा फोटो है, अगर कोई बंदा आपके पास फालतू के फोटोज भेजता है और आप चाहते हो कि वो फोटो वो वीडियो आपकी गैलरी में शो ना हो, कोई दूसरा बंदा उस फोटो को ना देख पाए, तो दोस्तों आपको इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको बंद कर दोगे तो आपके व्हाट्सएप के फोटो और वीडियो गैलरी में शो नहीं होंगे, यानी इसका फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट साइज, आप
व्हाट्सएप के टेक्स्ट फॉन्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो। अब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कीप चैट आर्काइव्ड। ओके दोस्तों, आर्काइव का फीचर क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि हमें होम स्क्रीन से इस चैट को हाइड करना है, सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है, आर्काइव पर टैप करना है। ओके अब जो हमारा चैट है वो आर्काइव वाले सेक्शन में जा चुका है, वो आर्काइव वाले सेक्शन में जा चुका है, ठीक है, होम स्क्रीन से गायब हो चुका है। अब दोस्तों अगर इस चैट से हमारे पास मैसेज आए तो नोटिफिकेशन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, होम स्क्रीन पर शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस तरह आप आर्काइव वाले सेटिंग को यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप, आप यहां से अपने व्हाट्सएप का चैट बैकअप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपने चैट्स को हमेशा के लिए सेव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चैट्स वगैरह कभी भी डिलीट ना हो, अगर फोन खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, टूट जाता है, तो आप नए फोन में चैट का बैकअप लेकर अपने सभी चैट्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो, तो इसलिए चैट का बैकअप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर आपको जो भी सेटिंग्स मिलेंगे सभी चैट्स के बैकअप का सेटिंग मिलेगा। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफर चैट्स, आप यहां से अपने चैट्स को एक फोन से दूसरे फोन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे हम MX Share एप्लीकेशन यूज करते हैं या शेयर इट एप्लीकेशन यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, सेम उसी तरह आप इस फीचर को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा चैट हिस्ट्री का, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है। एक्सपोर्ट चैट, अगर आप अपने सभी चैट्स को जीमेल पर भेजना चाहते हो, ठीक है, किसी को सेंड करना चाहते हो, तो दोस्तों आप एक्सपोर्ट चैट करके जीमेल पर अपने चैट्स को भेज सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सभी चैट्स को आर्काइव करना चाहते हो, होम स्क्रीन से छिपाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको आर्काइव ऑल चैट्स करना है, होम स्क्रीन से सभी चैट्स गायब हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप सभी चैट्स को डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्लियर ऑल चैट्स करना है, सभी चैट्स के अंदर जितने भी मैसेज हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो सब कुछ एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऑल चैट्स करोगे सभी चैट्स ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन की सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है, कौन सा टोन बजना चाहिए, कौन सा टोन नहीं बजना चाहिए, किस चैट पर कौन सा टोन बजना चाहिए, आप यहां से नोटिफिकेशन टोन का सेटिंग कर सकते हो। अब दोस्तों आपको यहां पर स्टोरेज एंड डेटा का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है, आप मैनेज स्टोरेज पर टैप करके आप देख सकते हो कि किस चैट पर कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कितने MB का फाइल आया हुआ है, आप इस पर टैप करके आप देख सकते हो कि किस चैट पर कितने MB का डेटा ट्रांसफर हुआ है, कितना डेटा रिसीव हुआ है, ठीक है, आप एक एक चैट का देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नेटवर्क यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, कितना डेटा आपने रिसीव किया है, कितना सेंड किया है, आप इस चीज को चेक कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर तीन ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, मीडिया ऑटो डाउनलोड, ऑटोमेटिक फोटो वीडियो कब डाउनलोड होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं और वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा से ऑटोमेटिक क्या क्या चीजें डाउनलोड होनी चाहिए, आप इस पर टैप करके इन सबको ऑटोमेटिक डाउनलोड भी कर सकते हो और अनटिक करके डाउनलोड को बंद भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि हम फोटो पर टिक कर देते हैं, ऑडियो पर टिक कर देते हैं, वीडियो पर कर देते हैं, डॉक्यूमेंट पर कर देते हैं, और जब भी हमारे पास फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऑडियो आएगा, अगर मोबाइल डेटा ऑन रहेगा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, इससे हमारा इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपको हमेशा अनटिक करके रखना चाहिए, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा मोबाइल डेटा का। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, ठीक है, वाईफाई पर क्या क्या डाउनलोड होना चाहिए, आप यहां पर सेम सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपको व्हेन रोमिंग का ऑप्शन मिलेगा, जब आपका फोन रोमिंग में रहेगा तब ऑटोमेटिक क्या क्या डाउनलोड होना चाहिए, आप उसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप स्टोरेज का सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद आपको ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, व्हाट्सएप के लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आप व्हाट्सएप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो।
तो दोस्तों मैंने लगभग आपको काफी सारे सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप कोई भी चैट सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो चैट है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अगर आप चाहते हो कि ये जो चैट है ये हमेशा टॉप पर रहे, ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह चैट को पिन कर सकते हो। आप देख सकते हो चैट पिन हो चुका है और हमेशा ऊपर ही रहेगा, चाहे कितना भी हम चैट करें, किसी से भी चैट करें, लेकिन ये जो चैट है ये हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप पिन कर सकते हो किसी भी चैट को। आप यहां से डिलीट कर सकते हो। अगर आप इसके नोटिफिकेशन को म्यूट करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहां से म्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आर्काइव करना चाहते हो, होम स्क्रीन से गायब करना चाहते हो, तो आर्काइव पर आपको टैप करना है, चैट आर्काइव के अंदर चला जाएगा, होम स्क्रीन से गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर टैप करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड चैट शॉर्टकट। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो चैट है इसका शॉर्टकट होम स्क्रीन पर क्रिएट हो जाए, ठीक है, आप अगर उस शॉर्टकट पर टैप करोगे सीधा ये चैट ओपन हो जाएगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट चैट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट पर टैप करके ऐड चैट शॉर्टकट पर टैप करना है, इसका शॉर्टकट होम स्क्रीन पर क्रिएट हो जाएगा आपके फोन के होम स्क्रीन पर, ठीक है, आप डायरेक्टली इस चैट को ओपन कर सकते हो। इसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा व्यू कॉन्टैक्ट, अगर आप इसका नंबर देखना चाहते हो तो आप इस पर टैप करके नंबर देख सकते हो। आप मार्क एज अनरीड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इससे जो मैसेज आया है, ठीक है, और सो हो कि हमने इस मैसेज को देखा नहीं है, तो आप मार्क एज अनरीड कर सकते हो। सभी चैट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आप चैट्स को लॉक करना चाहते हो तो दोस्तों आप यहां से लॉक चैट कर सकते हो। अगर आप चैट्स को ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो। जब आप चैट्स पर टैप करोगे, आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, यहां भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, व्यू कॉन्टैक्ट मिलेगा, आप नंबर वगैरह देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि इस चैट पर क्या क्या चीजें रिसीव हुई हैं, ठीक है, मीडिया हो गया, लिंक हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, आप इस पर टैप करोगे आपको एक साथ सब कुछ शो हो जाएगा। आप अगर कोई भी चैट सर्च करना चाहते हो, आप सर्च पर टैप करके आप लिख दोगे, अगर वो चैट रहेगा तो दोस्तों वो चैट आपको यहां पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, डिसअपीयरिंग मैसेज का, अगर आप डिसअपीयरिंग मैसेज को इनेबल कर दोगे जो भी चैट आप करोगे वो ऑटोमेटिक उतने टाइम बाद डिलीट हो जाएगा, जो भी टाइम फ्रेम आप सेट करोगे। अगर आप वॉलपेपर सेट करना चाहते हो, चैट के बैकग्राउंड में वॉलपेपर वगैरह सेट करना चाहते हो, तो सिंपली आपको वॉलपेपर पर टैप करना है, आप अपना फोटो लगा सकते हो, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको मोर पर टैप करना है। अगर आप अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहते हो, शिकायत करना चाहते हो, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। अगर सभी चैट को डिलीट करना चाहते हो, अगर आप मैसेज वगैरह को डिलीट करना चाहते हो, क्लियर चैट कर दोगे एक साथ सबको डिलीट हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो भी चैट्स हैं, मैसेज हैं, फोटोज़ हैं, उनको जीमेल वगैरह पे भेजना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट चैट करके भेज सकते हो, और इस चैट को आप शॉर्टकट पर ऐड कर सकते हो, होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, गैलरी, कैमरा, लोकेशन। अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजना चाहते हो तो आप लोकेशन को एक्सेस करके अपने लोकेशन को लाइव किसी को भी भेज सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आप इस पर टैप करके अपने कॉन्टैक्ट नंबर को किसी को भी शेयर कर सकते हो। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो। अब आपको पोल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, अगर आप ग्रुप वगैरह में पोल का ऑप्शन कराना चाहते हो, वोटिंग कराना चाहते हो, तो आप इस पर टैप करके वोटिंग करा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम एक फोटो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम एक फोटो सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप फोटो को HD में भेज सकते हो। सिंपली आपको HD को सेलेक्ट करना है इस तरह, और आपको हाई क्वालिटी को सेलेक्ट करना है, HD क्वालिटी को सेलेक्ट करना है। आप फोटो को HD क्वालिटी में किसी को भी भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप रोटेट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू वंस का, आप इस पर टैप करके आप व्यू वंस को ऐड कर सकते हो। और दोस्तों जब आप इस फोटो को किसी को भेजोगे, ठीक है, अगला बंदा सिर्फ एक ही बार उस फोटो को ओपन कर पाएगा, देख पाएगा, जैसे ही ओपन करके बैक करेगा फोटो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह फोटो वगैरह भेजते टाइम भी इन फीचर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है।
इसके बाद हम प्रोफाइल पर टैप करते हैं। दोस्तों जब आप प्रोफाइल पर टैप करोगे आपको यहां पर और भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जैसे म्यूट नोटिफिकेशन, आप यहां पर टैप करके चैट के नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो। अगर आप हर चैट पर अलग अलग नोटिफिकेशन टोन सेट करना चाहते हो, आप कस्टम नोटिफिकेशन पर टैप करके अलग अलग टोन हर चैट पर सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस चैट का जो फोटो वीडियो है वो गैलरी में शो ना हो, तो दोस्तों आप यहां से मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर दोगे तो चैट पर जो भी फोटो वीडियो आएगा वो गैलरी में शो नहीं होगा, ठीक है। आप स्टैट वाले मैसेज को देख सकते हो जिसको आपने हमेशा के लिए सेव करके रखा है, इंपॉर्टेंट मैसेज को सुरक्षित करके रखा है, आप उन मैसेज को देख सकते हो। इनक्रिप्शन को चेक कर सकते हो कि आपका जो चैट है, मैसेज है, वो सेफ है या नहीं है। आपको डिसअपीयरिंग का ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से अपने चैट्स को लॉक भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने लगभग आपको सभी फीचर्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। कुछ फीचर्स हो सकता है छूटे होंगे, लेकिन दोस्तों जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जो डेली आप यूज कर सकते हो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।